हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 10 तारीख जून को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका असर या उसका प्रभाव कैसा होगा अलग अलग लग्नों पे, इसके बारे में बात की जाएगी। मैं ये वीडियो अंग्रेजी में बना चुका हूँ और आपके लिए, खास उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे दरख्वास्त की थी कि मैं हिंदी में भी इसे अपलोड करूं, तो ये आपके सामने मैं वीडियो रख रहा हूं। हमें ये बात जरूर समझनी होगी कि जैसे मैंने पहले कहा था कि सूर्य ग्रहण का असर उस दिन तो रहेगा, लेकिन उस दिन के बाद कम से कम 120 दिन तक सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देता है। जब मैं बात करूंगा लग्नों की, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लग्न से देखना है या चंद्रमा से। मेरा अपना मानना है कि लग्न से ज्यादा आपको सटीक पता पड़ेगा कि ये जो प्रभाव है आप पे कैसे पड़ने जा रहा है। दूसरी बात कि हमें ये भी देखना होता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ज्यादा प्रबल है या आपका लग्न ज्यादा स्ट्रांग है, उसके हिसाब से भी आपको इस चीज की समीक्षा करनी होगी। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो जो लग्न है या हम राशि कहो, उसे कहते हैं मेष। तो मेष राशि के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और आपको ये पूरा वीडियो अगर नहीं देखना हो, अगर काफी लंबा बना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप अपने लग्न या अपनी राशि के हिसाब से उस जगह पे क्लिक कर सकते हैं और सीधे अपने राशि या अपने लग्न के पास पहुंच सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो राशि होगी वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले चेतावनी मेरी तरफ से है कि उन्हें अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कुछ परेशानियां, कुछ फ्रस्ट्रेशन और खास करके आपकी आंखों को लेकर के और आपके ये जबड़ा जो है इसको लेकर के कुछ परेशानी अगर आती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए प्लीज। बिजनेस में अगर आप कम्युनिकेशन या तो फिर आप कंसल्टेंसी करते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है इस वक्त। अगर आप अपने, जहां आप रहते हो या जहां आप पैदा हुए हो, उस भूमि को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर के अगर बाहर जाते हो और खास करके काम को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है इस वक्त। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी तरह की उधारी या कर्जा इस वक्त ना लीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। नए कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, नए कुछ आमदनी के साधन जुड़ सकते हैं आपके लिए, और ये आपके लिए, आप बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे लेकिन ये काम बन नहीं रहा था, अभी भी इसकी गति स्लो ही रहेगी, इतना जल्दी आगे काम बढ़ेगा नहीं, तो लेकिन आखिर जाकर के आपका ये काम बन जाएगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए आप। आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है और वो भी एक चिंता का कारण आपके लिए बन सकता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप शादी करना चाहते हो और बहुत दिनों से ये प्लान चल रहा था आपके दिमाग में, तो अब समय आ चुका है, आप शादी करने जा रहे हो। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ में आपके संबंध इस वक्त या पिछले कुछ दिनों से अच्छे नहीं थे, तो वो थोड़े से मधुर बनने जा रहे हैं। और इस साल के अंत तक आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा देने जा रहा है वक्त। और मैं पता नहीं क्यों देख रहा हूं कि आप अपने, या तो जहां पर आप प्रवास करते, जहां पर आप रहते हो उस जगह को,
या तो अपने बिजनेस को या तो फिर अपनी जॉब को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो आगे जाने वाले वक्त पे। मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो ग्रहण लग रहा है उसका प्रभाव आपके दूसरे और आपके आठवें घर पे पड़ रहा है। तो दूसरा घर परिवार का है, कुटुंब का है, और आठवां घर जो है वो बीमारियों का है, तो इसीलिए मैंने कहा था। और दूसरा घर आपकी आंखों से भी संबंध रखता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अगली राशि जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, अगले लग्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रहण लग रहा है वो आपके पहले और सातवें घर के एक्सिस में लग रहा है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है किसी परेशानी को लेकर के आप बहुत दिनों से जूझ रहे हो, उसके लिए आप जो स्ट्रेस ले रहे हो या आप जो सोच रहे हो और जिस तरह की चीजों से आप गुजर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आपके मानसिक इस पे ज्यादा तवज्जो देनी है। फिजिकल तो ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, लेकिन कमी आने मत देना। पॉजिटिव रहो, मेडिटेट करो, कोशिश करो कि ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कोई भी ऐसा डिसीशन या कोई भी ऐसा फैसला आप जल्दबाजी में ना कीजिए जिसका आपको आगे जाकर के खामियाजा ना भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात है, मैं देख पा रहा हूं कि पैसों की किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, पैसे आपके पास आ रहे हैं। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन खर्चे आपको संभालने होंगे, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई थोड़ी सी पैसे की तंगी भी आ जाए तो आपके पास आपके बचे हुए पैसे जरूर होने चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप किसी जॉब में हो और किसी बिजनेस में हो तो आपको शायद किसी और जगह से प्रपोजल आ सकता है, एक नया जॉब मिल सकता है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आपसे कि जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को चेताया था, बताया था कि जब भी शनि देव वक्री चल रहे होते हैं तो वो सही समय नहीं होता कोई भी एक नया जॉब लेने का। तो 11 अक्टूबर तक कोशिश कीजिए कि आप जिस जॉब में हो उसी में बने रहें, क्योंकि वक्री शनि में कोई नया जॉब लेने से वो जॉब परमानेंट नहीं होता है, ऐसा मैंने देखा है। और जहां पर अभी आप काम कर रहे हो और काफी दिनों से, हो सकता है कोविड के वजह से आपकी सैलरी कम हो गई हो, डिडक्शन हो गया हो, तो वो वापस से उसमें सुधार हो सकता है। और अगर डिडक्शन नहीं हुआ था आपका तो भी आपको इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस हैं। और आपके, क्योंकि ये जो ग्रहण लग रहा है आपके पहले घर में और सातवें घर में लग रहा है, तो सातवां घर आपके स्पाउस का माना गया है, यानी कि आपके जीवन साथी का माना गया है, तो उससे थोड़ा सा अनबन होने के चांसेस हैं। आपको वहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप चाहो तो आपके कंट्रोल में है, आप उस रिश्ते में थोड़ा सा ठहराव ला सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप कोई लैंड यानी कि कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हो तो ये भी, ये वक्त भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी जगह पे किराए पे हो, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ जो परमानेंटली जिनका अपना खुद का घर है, लेकिन जो लोग किराए पे रह रहे हैं, चाहे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या चाहे आपके जहाँ पे आप प्रवास कर रहे हो वो प्रॉपर्टी हो, तो अगर उसको आप चेंज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि जिस जगह पे अभी आप फिलहाल हो उस जगह का वास्तु सही नहीं है और आने वाला समय अच्छा होने जा रहा है, तो कभी कभी वास्तु के हिसाब से भी कहीं पे आप जिस जगह पे हो सकता है उसका असर वही आपकी प्रगति के अंदर रोड़े अटका रहा है। तो अब हमने बात की थी वृषभ राशि के बारे में, तो दूसरा लग्न है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रहण आपके 12वें और 6ठे घर के में लग रहा है, यानी जो एक्सेस बना हुआ है।
उसे दिमाग में रख करके आपको क्या करना है और क्या नहीं करना बता देता हूं। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के कुछ ज्यादा इश्यूज वैसे तो नजर नहीं आ रहे मुझे, बट हाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिंता में हो और पता नहीं किस तरह की चिंता आपको लगी हुई है, वो चिंता की वजह से आपको थोड़े से थोड़ी फिजिकल इश्यूज आ सकते हैं, खास करके आंखों को लेकर के और आपके पेट को लेकर के, क्योंकि छठा भाव भी इसमें है और बारहवा भाव भी है, तो पेट को लेकर संबंधित कोई चीज़ हो सकती है। लोअर बैक यानी कि आपकी जो कमर है, कमर में भी दर्द होने की शिकायत हो सकती है, इसका आप जरा विशेष ध्यान रखिए। कोई आपके परिवार में कोई सदस्य भी बीमार पड़ सकता है, जिसको लेकर के भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती है, इसका आपको ख्याल रखना है। आपको क्योंकि कोई सदस्य बीमार पड़ गया है, हो सकता है खर्चे बढ़ गए हों, उस खर्चे को लेकर के आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, चिड़चिड़ापन लग सकता है आपको, उसे आपको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अगर प्लान कर रहे हैं कि आप एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल सही है आपके लिए, आप ऐसा कर सकते हो। आपको पता होगा शेयर मार्केट में एक और भी चीज होती है, बिटकॉइंस भी लोग आजकल खेलते हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको इतना बताता हूं कि अगर आपने शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में या किसी में भी पैसा लगाया है, आप मेरी बात ना सुन करके जो जानकार इंसान है उससे बात करके हो सके अच्छी वैल्यू मिल रही है तो इस चीज को आप निकाल दो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को शेयर मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट में एक बहुत डिप आ सकता है, तो फिर हाँ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के रखा है कि हमको 5-10 साल उसको हाथ नहीं लगाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में इसको वापस से करना है तो इसकी वैल्यू गिर सकती है, तो हो सके तो। लेकिन आप जो जानकार इंसान है उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही ये फैसला कीजिएगा। अगर आपकी प्लानिंग है कि आप कहीं विदेश यात्रा करना चाह रहे हो, चाहे वो किसी कारण क्यों ना हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, आप विदेश यात्रा कर सकते हो। नौकरी को लेकर के और कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर के ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, ज्यादा फेवरेबल नहीं है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, उसके बाद में चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। आपके करियर को लेके या जॉब को लेकर के कहीं पे आप में वो बोलते हैं ना कि एक डिससेटिस्फैक्शन है, आप संतुष्ट नहीं हो, तो उस जगह पर बने रहिए कम से कम 11 अक्टूबर तक। उससे पहले कोई फैसला मत कीजिए, आने वाला समय आपके लिए ठीक रहेगा। उधारी मत लेना, किसी से पैसे मत मांगना, अगर जरूरत ना हो तो प्लीज किसी से उधारी मत लो, वरना वो उधार आपके सर पे एक और टेंशन डाल देगा और आप और परेशान हो सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। दोस्तों कर्क राशि के लिए ये जो समावेश बन रहा है, ये जो एक्सिस बन रहा है, जो ग्रहण लग रहा है, वो आपके 5वें और 11वें घर में लग रहा है। कर्क राशियों राशि वालों के लिए अच्छी तरक्की देख रहा हूं, अच्छा पैसा देख रहा हूं, और जो बहुत पिछले कुछ दिनों से अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई मसला अटका हुआ था, चाहे वो कोर्ट कचहरी में अटका हुआ था, तो वो भी उसका भी फैसला हो जाएगा और आपके आपके फेवर में होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे और वो प्रॉपर्टी कहीं पे अटक गई थी, उसके लिए ज़्यादा कोई लोग पूछ नहीं रहे थे, तो यकायक अचानक कहीं से प्रपोजल आ सकता है, लेकिन जो पैसा आपने सोच रखा था कि मुझे मिलेगा प्रॉपर्टी बेचने पे, शायद वो उतना पैसा आपको ना मिले, थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा कम मिलने पर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, वरना फिर वो बात वहीं की वहीं अटक जाएगी आपकी।
आपके जो मित्र मंडली है, यानी कि आपके जो दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त भी हो सकते हैं, उनके साथ में किसी ना किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, तो जितना हो सके उसको टालने की कोशिश कर कीजिए। आपके बड़े भाई या बड़े बहन के साथ में भी संबंध थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं, तो उनके साथ में भी किसी तरह की बहसबाजी या कोई चीज़ को लेकर के इस समय तो कम से कम आप टाल दीजिए, वरना वो चीज़ें इतनी बढ़ सकती है कि फिर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा पाओगे और चीज़ें खराब हो सकती है। उसी तरह से आपकी साली या आपके साले साहब, इनके साथ में भी रिश्ते थोड़े ख़राब हो सकते हैं, तो इनसे भी दूरी बनाए रखिए फिलहाल, तो कम से कम किसी भी तरह की कोई बातें में उलझ के रह जाओगे अदरवाइज। अब आपको किसी कारण आपके बच्चों की चिंता, क्योंकि पांचवा घर भी इसमें प्रभावित हो रहा है, तो बच्चे से कोई हो सकता है उनकी सेहत को लेकर हो, उनकी पढ़ाई को लेकर हो, या कोई और मसला हो, लेकिन कोई ना कोई चिंता उस चीज़ को लेकर के भी बनी रह सकती है। ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये आपके बिजनेस के लिए और आपके जॉब के लिए, नौकरी के लिए ठीक ठाक है, उसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, शादीशुदा जिंदगी में भी मधुरता बनी रहेगी, कोई टेंशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक अच्छा समय है अगर आप निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें किसी चीज में, और लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि वो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़े दिन रुक जाइए, ये समय बिल्कुल सही नहीं है। मेरी बात को ना मानो तो आप किसी और से सलाह ले सकते हो जो आपको जेन्यून सलाह दे सकता है, उससे बात करके देखिए। अगली राशि जिसके हम बारे में हम बात करेंगे वो है सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि के बारे में मैं क्या कहूँ, ये एक ऐसी राशि है जिसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा अनुकूल नहीं है। ये जो ग्रहण है ये चौथे और दसवें घर को प्रभावित कर रहा है, यानी कि चौथा घर आपका डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है और दसवां घर जो है वो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका करियर है, आपका जॉब है, इन दोनों का हमें ख्याल रखना है। इसी वजह से और हेल्थ को लेकर के भी इशू आ सकता है और हेल्थ को लेकर के इशू बढ़ सकते हैं, खास करके आपके पेट को लेकर के, आपके जो लोअर बैक है यानी कि कमर को लेकर के, आंख को लेकर के, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द होना, ये प्रॉब्लम आपको रह सकती है। आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा पाओगे, आप अपने टेंशन को लेकर के चलोगे, ये टेंशन आप परिवार पे उतार सकते हो, अपने नीचे काम करने वाले लोगों पे उतार सकते हो, तो अपने गुस्से पे बहुत काबू रखिएगा। आपको एक हिदायत है, आपको एक मैं गुजारिश करूंगा कि अपने जो पड़ोसी हैं, अगर तो आप पड़ोसियों से ज्यादा मेल जोल नहीं है आपका तो ठीक है, लेकिन अगर है तो कुछ दिन इनसे भी दूरी बनाए रखो, क्योंकि किसी पड़ोसी के साथ में भी कोई ना कोई वाद विवाद जरूर होगा। आपके जॉब को लेकर के या आपके ही कंपनी में ट्रांसफर को लेकर के, या आप कंपनी में जिस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में चेंज हो सकता है, या जहां पर कंपनी में आप बैठते हो, तो इसको बोलते हैं टेबल भी आपका यहां से वहां हो सकता है, आपका ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, ये भी एक चीज देखी जा रही है यहां पे। और अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके मसला चल रहा था काफी दिनों से, तो वो मसला अभी सॉल्व नहीं हो रहा है और उसे कोशिश भी मत कीजिएगा इस टाइम पे। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो, ओके, तो यकायक एकदम से कोई खरीदार मिल सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि जो आपके मन में था कि इस प्रॉपर्टी को बेचने से मुझे इतना पैसा मुझे मिलेगा, वो थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भी उतरा हुआ है और फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुझे जितने पैसे, जितनी वैल्यू मुझे मिलनी थी उतनी वैल्यू मुझे नहीं मिली। आप अपने खर्चों को बचाइए, हाथ अगर बहुत खुला रखोगे तो आगे जाकर तकलीफ में आ सकते हो, खर्चों को बचाइए, जहां पे खर्चा नहीं करना है लग्जरी आइटम पे ज्यादा खर्चा मत कीजिए इस टाइम पे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली राशि जिसकी बारे में बात करूंगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है,
ये प्रभाव डाल रहा है आपके तीसरे घर में और नौवें घर में। और इसी वजह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको अनुभव होगा कि आप किसी तरह का कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, मानसिक एक चिंता बनी हुई है आपकी, आप इसका कारण भी शायद समझ नहीं पाओ, और एक तरह की उत्तेजना है आप में, आप एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हो, आप थोड़े से इसको बोलते बिल्कुल रेस्टलेसनेस आप में आ जाती है। और हो सकता है कि फैमिली में कोई एक मैटर है जो बहुत दिनों से उसका कुछ निचोड़ नहीं निकल रहा था, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो उसमें कोई ना कोई मैं प्रगति देख रहा हूँ कि हाँ सब लोग बैठ करके समीक्षा करेंगे और वो उसका कोई हल निकल आएगा। क्योंकि फाइनेंस को लेकर के भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, तो आपको अपने खर्चे बहुत सोच समझ के करने होंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया और आमदनी में जो आवक है वो कम है, तो वो एक आपको वो भी आग में घी वाला काम करेगा और आपके आपकी चिंताएं को बढ़ा सकता है वो। ये टाइम, लेकिन आपको अगर नई नौकरी चाहिए बहुत अच्छा टाइम है, नया बिजनेस चालू कर रहे हो बहुत अच्छा टाइम है, और बिजनेस ऑलरेडी है तो उसमें भी मैं एक प्रगति देख रहा हूँ। और अगर आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ये आपके लिए फेवरेबल टाइम जरूर है। आपको अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की, पति की या पत्नी की चिंता रह सकती है हेल्थ को लेकर के, उनकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है जिसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। उसी तरह से आपके पापा यानी कि आपके पिता की सेहत को भी बहुत जरूरत है कि आप ध्यान दें उस पर, और अगर थोड़ी बहुत भी सेहत में गड़बड़ी नजर आए तो तुरंत डॉक्टर को किसी के सलाह ले लीजिए, और ऐसा ना हो कि भैया ये छोटी मोटी चीज है निकल जाएगी, ऐसा मत कीजिएगा, अपने पिता का ध्यान रखिएगा। आपके दोस्तों यारों के साथ में जो संबंध है वो पहले तो थोड़े से ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आगे जाकर के हो सकता है आप जिन चिंताओं से गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए जहां पे दोस्तों के साथ में आपके रिश्ते थोड़े से खराब हो जाए और रिश्तों में कड़वापन आ जाए। अगली राशि जिसके बारे में बात करेंगे वो है तुला राशि। दोस्तों तुला राशि के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है ये दूसरे घर में और आठवें घर में ये ग्रहण लग रहा है, इसे देखते हुए क्या हो सकता है, मेहनत, आप पे कोई लांछन लग सकता है जिसको हम बोलते हैं डिफेम हो जाना, तबीयत गड़बड़ा सकती है क्योंकि आठवां घर है, दूसरा घर है, दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम आने की संभावना है। इस टाइम पे शेयर मार्केट या फाइनेंशियल चीजों में किसी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना या कुछ करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, सोच समझ के कीजिएगा, ध्यान से करिए अगर करना भी है तो। और अगर आप कुछ समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, तो एक या दो साल के की इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक रहेगी। आपके बच्चों के साथ में अगर थोड़े से रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे तो उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आ रहा है, वो होगा। और अगर आप सोच रहे थे कि या प्लान कर रहे थे एक बच्चे के बारे में, तो आपकी आपके घर में ये एक अच्छी खबर आ सकती है कि आपकी बीवी गर्भवती हो गई है। और लेकिन गर्भवती होने के बाद आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत बने हुए हैं इस टाइम पे, तो आपको डॉक्टर से संपर्क में रहना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, और जो वो बोले उस तरह से ही ये काम करना है, वरना दिक्कत वाला काम हो सकता है।
पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और वो पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी वो गैस है, एसिडिटी है, या फिर आपके जो अतड़ियां हैं उसमें हो सकता है, जैसे IBS है, इस तरह की कुछ चीज़ें। और वैसे भी जब भी हम लोग बहुत परेशानी में होते हैं तो ये चीज़ें हमेशा होती, क्योंकि हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है वो एक तरह से गड़बड़ा जाता है। ये एक अच्छा समय नहीं है जॉब के लिए, या तो फिर बिजनेस के लिए एक अच्छा समय नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए, ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश मत करो, वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि काम पे जाने की इच्छा नहीं हो रही है, बिजनेस करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपका मन वहां से हट रहा है या भटक रहा है, आप धैर्य बनाए रखो, ये कुछ दिनों की बात है, इसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके परिवार में किसी कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, जो आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी होगी उसको लेकर के भी कुछ बातें निकल सकती है, वो भी थोड़ा सा आपके लिए कुछ कारण बन सकती है कि आप और ज़्यादा परेशानी में आओ। लेकिन मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ, हर चीज़ों को इस टाइम पे थोड़ा टाल दीजिए। आप अपने छोटे भाई या छोटी बहनों के साथ में रिलेशन ठीक रहेगा आपका, लेकिन अगर कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है उनके साथ में थोड़ा सा थोड़ी अनबन हो सकती है, इसका भी ख्याल रखिएगा सर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आपके पहले घर में और सातवें घर में ये ग्रहण लग रहा है, तो ये सेहत के मामले में तो ठीक ठाक है, कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। बिजनेस को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। देखिए, सातवां घर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का भी है। बिजनेस में जो भी कर रहे हो, अगर पार्टनरशिप में हो, जो भी हो, और कोई अगर आपको दस्तावेज पे कहीं पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, साइन करना है, तो उसे पढ़े बिना बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसमें दी गई हर बातें अगर आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कानूनी भाषा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो तो किसी भी वकील को दिखा करके ही साइन कीजिएगा, वरना फिर से आप एक गड़बड़ में या एक परेशानी में उलझ सकते हो। और अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो, अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा हो सकता है इस वक्त, क्योंकि उस चीज को लेकर के मैं फायदा देख पा रहा हूं। और अगर आप कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, कुछ नई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। मतलब हर लिहाज से जो वक्त है, क्योंकि मैंने देखा है वृश्चिक राशि काफी समय से बहुत परेशानी से गुजर रहे थे, अब तक एक डेढ़ दो साल से ऐसी स्थिति बनी हुई थी इनकी, अब थोड़े थोड़े रास्ते उनके खुल रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। और अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पर पार्टनर के साथ में कुछ अनबन होने के चांसेस हैं, तो यहां पर जरा आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक उसी तरह से आपके बीवी के साथ में भी, आपके हस्बैंड के साथ में भी अनबन होने के चांसेस हैं, उसमें भी थोड़ी सी मधुरता लाने की कोशिश कीजिए। और आपका बिजनेस, चाहे वो आपकी गलती ना हो, लेकिन आपके बिजनेस भी किसी स्कैम में, या वो कहते हैं ना सर, जैसा घोटाला, कोई घोटाले में ना आ जाए, इसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी गलती ना हो लेकिन कोई और कर रहा हो, या आपके नीचे वाले कर रहे हो, और उसमें होते ना कि ना चाहते हुए भी आपके सर पे वो चीज़ आ जाए, तो ये परेशानी वाला मामला हो सकता है बहुत। अगर आपने अपनी शादी अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी कोशिश की, तो वो मधुरता बन सकती है आपके साथ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, अगर कुछ एक डेढ़ साल दो साल से आप कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है आपने, और वो डिवोर्स नहीं हो रहा था, बातें अटक के बैठी हुई थी,
तो अब आप देखोगे यकायक फैसला हो जाएगा और आप उस चीज से बाहर निकल आओगे। दोनों के लिए फेवरेबल होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो चीज अटकी हुई थी वो आपकी हो जाएगी। शेयर मार्केट में ज्यादा अगर प्रॉफिट को देख रहे हैं आप, तो मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कुछ अच्छा मिलेगा आपको, तो उसे ना छुए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने लंबा निवेश किया है, यानी कि आपको निवेश करने के बाद में 3-4-5 साल तक आपको उसकी चिंता नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे अभी एकाएक पैसा मिल जाएगा, तो उसकी संभावना बहुत ही कम है। आपको अपने बच्चों को लेकर के चिंता बनी रहेगी। अब वो कोई भी चिंता हो सकती है, सेहत को हो सकती है, पढ़ाई को लेकर हो सकती है, या उनके अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसको लेकर हो सकती है, बच्चों की शादी के बारे में, कोई भी तरह की चिंता बच्चों को लेकर के आपके साथ में लगी रहेगी। और अगर आप एक और बच्चे की इच्छा रखते हैं और प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा समय रुक जाओ, थोड़ा समय, उसके बाद में आपके हिसाब से काम हो जाएगा। अगली राशि जो है वृश्चिक राशि की बात, वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है 10 जून का, ये 12वें घर को और 6ठे घर को प्रभावित कर रहा है। अब यहां पर 6ठे घर में आपको पता है ये घर देखा जाता है आपके दुश्मनों का, एनिमीज का। यहां पर आपको ये शक्ति मिल रही कि आप अपने दुश्मन को पे पूरी तरह से काबू पा लेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये बात तय है। और खुशी का समय है, अच्छा समय है आपके लिए। 37.5 से गुजर रहे हो, आखिरी फेज है आपका 2022 के अप्रैल के आसपास, आप 37.5 से पूरी तरह से बाहर भी निकल रहे हो। ये एक अच्छा फेवरेबल टाइम है आपकी हेल्थ को लेकर के भी, बट ये डिपेंड करेगा कि आपकी सेहत कैसी है, कि आप किस जगह रह रहे हो, आपके घर का वास्तु भी कैसा है, ये भी ज्यादा ध्यान से देखिएगा। आपको सेहत अच्छी है, लेकिन एक नई कोई चीज निकल के आ सकती है, क्योंकि राहु और सूर्य का यहाँ पे जो युति बनी हुई है, तो एक्लिप्स के टाइम पे, यानी कि ग्रहण के टाइम पे, ये आपके पेरेंट्स को, मतलब आपके जो माता पिता में से किसी की सेहत को थोड़ी सी हानि पहुंचा सकते हैं, तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और उसी के, और खास करके मां की सेहत को लेकर जरा ज्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आप शादी के इच्छुक हैं, चाहे आप एक मेल हैं या फीमेल है, और काफी दिनों से आप प्रपोजल्स के लिए वेट कर रहे थे, प्रपोजल्स आ नहीं रहे थे, या तो आ रहे थे तो कुछ बात नहीं बन पा रही थी, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, शादीशुदा हो, और कुछ दिनों से वाइफ के साथ में थोड़ी अनबन चल रही थी, तो अब जाकर के वहां पे थोड़ा रिश्ता मधुर होता हुआ नजर आ रहा है। काम करने वाले, मतलब जॉब करने वाले लोगों के लिए भी आप देखोगे कि वैसे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपका वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी काम बढ़ जाएगा, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। और अगर कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा बन के आया है। आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि इस वक्त हो सके तो कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला अगर है भी, तो उसको थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए, ये सही वक्त नहीं है उस विषय में। और आखिरी और सबसे महत्व बात बता रहा हूं मैं, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ध्यान से सुनिए आप। गाड़ी, चाहे 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, चलाते वक्त सावधानी से चलाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
एक्सीडेंट के चांसेस नजर आते हैं। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगली राशि जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो है मकर राशि। मकर राशि वालों, साढ़े सती ने आपको बहुत 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 परेशान करके रखा है ना। अब जो ये ग्रहण लगने जा रहा है वो आपके पांचवें घर को और आपके ग्यारहवें घर को प्रभावित कर रहा है। और तो क्या ये परेशानी में कुछ कमी लाएगा? जरूर लाएगा। आपको खाली एक ही चीज की चिंता आपको इस टाइम पे लगी हुई है, वो है आपके बच्चे की पढ़ाई, सेहत। और ये जो टिपिकल जो जैसे माँ होती है ना, वो हमेशा उसी चिंता में लगी रहती है, और खास करके पढ़ाई को लेके, एडमिशन को लेके, इसको लेकर के वो एक चिंता है। वो चिंता हर माँ की है, उसमें राशि और लग्न का कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे थोड़ा सा दूर रहिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो आप, होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। रास्ते आपके खुल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, जल्दबाजी ना करें, और आपका हर काम बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी नए कार्य में, किसी भी चीज में अगर आप उतर रहे हैं और वहां पर अगर आपको कहीं पे साइन करना है, यानी कि हस्ताक्षर करना है आपको, तो उस दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उस पर साइन कीजिएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर के तकलीफ आ सकती है। ओके, अब समय आपका, अगर फाइनेंस को लेकर के आप बहुत टाइट चल रहे थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, तो वो अभी ठीक हो रहा है। आपके फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं, जहां जहां पे पैसे रुके हुए थे वहां से आ रहे हैं, नई कमाने के और आपके जरिए भी खुल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जितनी भी शॉर्टेज थी पैसों की, वो उसकी भरपाई हो रही है। यकायक एक दिन में नहीं होगी, लेकिन आगे जाकर के हो जाएगी। अगर आप किसी जॉब में हैं, आप नौकरी कर रहे हो, और तो हो सकता है कि आपको जहां पे काम कर रहे हो वहां से एक किसी और कंपनी से एक अच्छा ऑफर आ जाए, या जिस जगह आप काम कर रहे हो तो वहीं पर आपको एक प्रमोशन मिल जाए, या इंक्रीमेंट मिल जाए, या ट्रांसफर एंड इंक्रीमेंट दोनों मिल जाए, इसके चांसेस भी है। प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और कुछ ना हो तो कम से कम आप अपनी प्रॉपर्टी को, जहां पर आप रहते हो, उसको रेनोवेट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। और प्रॉपर्टी को लेकर के मैं इसलिए भी कहूंगा कि साढ़े सती में, जैसे मैंने साढ़े सती के वीडियो में बताया था कि जाते हुए शनिदेव तीन चार चीज देखे जाते हैं, मेरी उस वीडियो को देखना साढ़े सती के बारे में, आपको पता पड़ेगा मैं प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहा हूं। आपके बिजनेस में या जॉब में चेंज देख रहा हूं। अगर आप कुछ सालों से एक बिजनेस कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपने आपके बिजनेस के लिए भी कुछ नया आइडिया आ जाए, और आप पुराना बिजनेस छोड़ करके दूसरा बिजनेस शुरू कर लो, या आप पुराने बिजनेस के साथ साथ एक नए बिजनेस को भी साथ में खोल लो, इसके भी चांसेस साफ दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के समय तो अच्छा ही है आपका, बिल्कुल। अब ये मकर राशि के बाद में अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो चौथे और दसवें घर पे लग रहा है, और इसी वजह से हमें इस चीज को दिमाग में रख करके आगे की बात देखेंगे क्या आपके लिए लिखा है। हेल्थ को लेकर के टाइम ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक है ये भी नहीं कहूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं आगे बताता हूं। आपकी जो पुरानी कुछ समस्या थी हेल्थ को लेकर के, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही है, ठीक है। और आपके सबसे ज्यादा जो परेशानी में आपको डाल सकता है वो ये डाल सकता है कि आपके खर्चे अगर रुके नहीं इस वक्त, तो ये आपको आने वाली समस्या आपके सामने आगे खड़ी हो जाएगी पैसों को लेकर के। इस वक्त ऐसा कुछ भी खर्चा मत कीजिएगा जिसकी आपको एक्चुअली आवश्यकता है ही नहीं, तो
लग्जरियस खर्चा करना तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आपको ये याद रखना है कि अब आप 7.5 में प्रवेश कर चुके हो 24 जनवरी 2020 को, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है प्रॉपर्टी को लेकर के, हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला एकदम से यकायक आ जाए। ये प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, ये आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बाप दादा की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इन लॉज की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना चाह रहे थे, आप खुद या तो आपके साथ में कोई भाई बहन मिलकर के, और वो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, तो वो प्रॉपर्टी के बेचने का समय आ चुका है, वो प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी। कोई भी नया निवेश, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे बहुत बहुत और बहुत रिस्की हो सकता है। आपको दिखेगा कि हाँ बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको जो दिखाया जाएगा वो बहुत अच्छा एक तस्वीर दिखाई जाएगी, लेकिन वहीं पर अंदर आप जाकर के फंस सकते हो। कोई नया इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे मत कीजिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के ही कुछ समस्याएं आपके जीवन में ये थोड़ा सा टेंशन ला सकती है। इसीलिए मैंने कहा था पुरानी बीमारियों पे तो आप काबू पा लोगे, लेकिन जो नए टेंशन आ रहे हैं ये एक और बीमारी ना दे दे आपको। इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा वरना आपको दिक्कत आ सकती है। शेयर मार्केट में सभी को मना कर रहा हूं, आपको भी मना कर रहा हूं, मत कीजिएगा। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा शेयर मार्केट में तो नहीं। और विदेश की यात्रा पॉसिबल लग रही है मुझे, आप विदेश जा सकते हो, चाहे किसी कारण क्यों ना जाओ, लेकिन आप जा सकते हो। और हर काम में देरी होने के बावजूद भी आप हर काम को पूरा जरूर कर लोगे, जिसे हम कहते हैं देर इज डिले बट नो डिनायल, यानी कि देर हो सकती है, देर सवेर से काम जरूर हो जाएगा, लेकिन काम बनेंगे आपके जरूर। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि बिजनेस है या जॉब है, वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आपका वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, ज्यादा काम आपको करना पड़ सकता है, हो सकता है दूसरों का काम भी आपके सर पर डाल दिया जाए, पॉसिबल ही है। आपके लिए स्थान परिवर्तन देख पा रहा हूं, यानी कि जहां पे आप रहते हो वहां से आप कहीं और जा सकते हो, पॉसिबल है। और जब मैं चेंज देख रहा हूं तो या तो आप खुद बाहर जा रहे हो, या आप घर चेंज कर रहे हो, या किसी कंपनी में कोई जगह पे आप ट्रांसफर करके जा रहे हो, या उसी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, या आपका टेबल चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आप 100% देखोगे आने वाले कुछ दिनों में। सोशल एक्टिविटी में आप ज्यादा अभी इन्वॉल्व रहोगे, यानी कि कुछ लोग होते हैं जैसे एनजीओ में हैं, बाहर निकल के किसी की मदद करना, उन चीज़ों में आपका रुझान ज़्यादा रहेगा और करना भी चाहिए आपको। यात्रा करने का आपको 2-3 बार अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने, ऐसी कोई 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 ऑफर आ सकता है और आप ज़रूर ट्रैवल करेंगे। दोस्तों के साथ में भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं थे किसी भी कारण से, तो वो फिर से नॉर्मल होने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ था कुंभ राशि वालों के लिए। अगली राशि और आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके तीसरे और नौवें घर में ये ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है। मैं देख पा रहा हूं कहीं से पैसे आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ जो आपके काम अटके हुए थे वो काम बन रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके मसला था वो प्रॉपर्टी भी आपकी मतलब उसका भी फैसला हो जाएगा, आपके पक्ष में होगा। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे और अब तक नहीं खरीदी, तो वो भी खरीदने के चांसेस है।
आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे कोई गाड़ी में, या कम से कम टू व्हीलर में, या किसी चीज में, या तो फिर कम से कम आप घर के लिए कोई डेकोरेटिव पीस लेकर आ जाओ, ऐसा कुछ ना कुछ मुझे दिखता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है। एक नया अगर कोई कारोबार आप शुरू कर रहे हो या शुरू किया है, और वहां पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफें आप देख रहे हो किसी भी कारण से, तो ये चीजें जो जो बनी हुई हैं, ये अभी कुछ समय तक रहेंगी, कुछ गड़बड़ी रहेगी, तो इससे ज्यादा परेशान मत होइए, इसका इसका भी समाधान हो जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना होगा। मैंने जैसे तीन चार राशियों वालों को बताया, मैं आपको भी बता दूं कि आपको ये समझना है कि इस वक्त बुध यानी कि मर्क्यूरी अभी फिलहाल वक्री चल रहे हैं, और बुध का संबंध तीसरे घर से और छठे घर से काल पुरुष कुंडली में है। बुध का संबंध कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन से है। मैंने हमेशा कहा है जब बुध वक्री चल रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले 10 बार सोचिए कि उसमें क्या लिखा है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट साइन मत करना जब तक कि आप उसको या तो खुद बराबर ठीक से पढ़ लो और किसी और से भी पढ़वा लो, वरना साइन मत करने का नहीं करना। सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है सेहत को लेकर के, और पेट से संबंधित चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, और वो